अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ और ये एक ऐसी खबर है, आप इसको सुनेंगे तो यकीनन अफसोस होगा और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे मामलात को बेहतर फरमाए। ये इसकी हेडिंग है, शहरे काजी के दामाद को मारने की धमकी, बरेली। कार्याला सुन्नी बरेलवी मसलक के धर्म गुरु काजी उल कुज़ात फिल हिंद मुफ्ती मोहम्मद अशद रजा खान के दामाद सलमान हसन खान कादरी को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने पहले फोन पर धमकी दी, फिर कोरियर से धमकी भरा पत्र भेजा। पत्र में लिखा है, तेरे अपने बहुत दुश्मन हैं, हमारे लोगों से पंगा भारी पड़ेगा। बाहर से शूटर बुलाने की बात भी धमकी में कही गई है। बुधवार को जमात रजाए मुस्तफा ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पूरे पर्याकरण की जानकारी डीजीपी को भी पत्र के माध्यम से दे दी है। मूल रूप से किला क्षेत्र के निवासी सलमान हसन खां कादरी दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा गया है कि सलमान मियां को दो फोन नंबरों से कॉल करके धमकी दी गई। चिट्ठी के माध्यम से धमकी देने वाले ने अपना नाम अभिषेक गुप्ता लिखा है। जमात रजाए मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान कादरी ने बताया, मुझे पहले फोन नंबर पे और फिर कोरियर से धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस को अवगत करा दिया गया है, डीजीपी को भी पत्र लिखा गया है। तो ये सलमान हसन मियां नाज़रीन मोहतरम हुजूर ताजुश शरिया अलैह रहमत व रिजवान के साहिबजादे हजरत अल्लामा अशा अशेख मुफ्ती मोहम्मद अशर रजा खान कादरी मुद्दज़िल्लुल आली के दामाद हैं, जो इस वक्त जमात रजाए मुस्तफ़ा के अध्यक्ष हैं। इनको ये मानने की धमकी दी गई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को सलामत रखे। चूँकि हजरत दरगाह शरीफ से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए हर वो शख्स मोतबर है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ करें अल्लाह बोले तो तमाम मामला को बेहतर।